cielo. सभी का स्वागत है किचन टू किचन में। आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी। ये पाव भाजी मैं बिल्कुल कम समय में बनाकर रेडी करूंगी और इसका टेस्ट टेक्सचर जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं सेम वैसा ही इसका टेस्ट आता है। तो आप इस झटपट क्विक पाव भाजी की रेसिपी को जरूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स द्वारा मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी, रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्विक पाव भाजी बनाना। सबसे पहले हम कुकर ले लेंगे। कुकर में हम डालेंगे कटी हुई सब्जियों को। यहाँ पे सब्जियों में मैंने आलू लिया है, बीन्स ले लिया है थोड़े से कटे हुए, मटर लिया है, गोभी ले लिया है, बीटरूट लिया है और गाजर लिया है जिसे अच्छे से धो कर रफली हमें कट कर लेना है। अब ये सब्जियां जाएंगी कुकर के अंदर और अब हम इसमें डालेंगे एक ग्लास पानी। अगर आप कप से मेजरमेंट कर रहे हैं तो डेढ़ कप पानी डालना है हमें, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। अब हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक इसमें। नमक डालने से जो सब्जियां हैं जल्दी पक जाएंगी और अब कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और बिल्कुल हाई फ्लेम पे दो सीटी आने तक हम वेट करेंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। दो सीटी आ गया है, मैं गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ और इसका अच्छे तरीके से प्रेशर निकलने के बाद हम ढक्कन खोलेंगे। प्रेशर अच्छे तरीके से निकल गया है, ढक्कन खोल लेते हैं हम और आप देख सकते हैं जो सब्जियां हैं बहुत अच्छे से पक गई हैं, तो मैंने साइड में रख दिया है। और अब हमने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है, साथ ही में एक बड़ा चम्मच में बटर डाल रही हूँ। बटर और तेल को अच्छे से गर्म होना हो जाने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का दो बड़ा चम्मच पेस्ट। गैस का फ्लेम हाई रखा है अभी मैंने और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें अच्छे से भून लेना है, चलाते हुए भूनना है क्योंकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो तले में जाके चिपक जाता है। तो आप इसे चलाते हुए एक मिनट के लिए भून लीजिए जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो साथ ही में मैंने डाल दिया है मिर्ची, यहाँ पे दो कटा हुआ हरी मिर्च डाला है और आप देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा जो इसका कलर है वो चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, बिल्कुल बारीक कट कर लेना है हमें प्याज को और इसे भी हम चलाते हुए हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को। बिल्कुल हमें इसे लाल नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए हल्का सा सॉफ्ट हो गया है प्याज, आप देख सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च कटा हुआ, एक शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे भी हम प्याज के साथ भून लेंगे ताकि शिमला मिर्च भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए प्याज के साथ। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने की वजह से तले में चिपकता है, तो आपको इसे कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करना है ताकि तले में चिपके ना अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम डालेंगे इसमें दो बारीक कटा हुआ टमाटर और इसे सॉफ्ट होने तक हम बिल्कुल चलाते हुए भून लेंगे। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने देते हैं तो आप देख सकते हैं टमाटर हल्का सा सॉफ्ट होने स्टार्ट हो चुका है और जो हमने ऑयल यूज किया था वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। सब्जियां मतलब अच्छे से पक चुकी हैं, जो शिमला मिर्च है और टमाटर है वो पक गया है। तो अब हम इसे चला लेंगे एक बार, बहुत ज्यादा हमें नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है लगभग 80-85%। और अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ दो छोटे चम्मच, साथ ही में एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला यहाँ मैं यूज कर रही हूँ दो बड़े चम्मच। आप किसी भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला यूज कर सकते हैं पर एवरेस्ट पाव भाजी मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। साथ ही में मैंने एक पिंच हल्दी पाउडर डाला है। और मसाले भूनते टाइम हम गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसे मसालों को हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि ऑयल और बटर जो हमने यूज किया है वो सेपरेट नहीं हो जाता है। तब तक हमें मसालों को भूनना है और भूनने के बाद मसालों का कलर भी अलग हो जाता है, चेंज हो जाएगा। तो इसे हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे डेढ़ से दो मिनट के लिए भूनने देते हैं मसालों को, बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए डेढ़ मिनट हो गया और बिल्कुल मसाले का कलर चेंज हो गया है क्योंकि हमने कश्मीरी रेड चिली यूज किया है, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर यूज किया है, तो उसकी वजह से जो कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल रेड कलर आया है हमारे मसालों में।
तो हमारा मसाला भी भुनकर रेडी है। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने सब्जियों को उबाल कर रखा था। तो पानी जो इसका था वो मैंने अलग छान के रख लिया है, उसका यूज करेंगे हम बाद में। और सब्जियों को अभी डाल देंगे और हम स्पैचुला के हेल्प से अच्छे से इसे मिक्स करेंगे मसालों के अंदर। अभी मैंने इसे मैश नहीं किया क्योंकि सब्जी एकदम परफेक्ट कुक हो गया था। तो आप सिंपली जब स्पैचुला से इसे चलाएंगे तो भी ये अच्छे तरीके से मैश हो जाता है। हल्के हाथों से आप इसे बस प्रेस करके चलाइए। देख सकते हैं आप, सब्जी अब बहुत आसानी से मैश हो रही है। गैस का फ्लेम हमने स्लो ही रखा है अभी भी। अगर नहीं मैश होता है तो हम मैशर का यूज करेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप जो ग्लास होता है सिंपली जो पानी पीने वाला, उसका भी यूज कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छे से जो सब्जियां हैं वो मैश हो जाती है। तो हम इसे मैश कर देंगे। थोड़े से जो सब्जियां, जो मटर है, उसे मैं ऐसे ही रहने दूंगी, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको बिल्कुल मैश पाव भाजी अच्छा लगता है तो आप सारी सब्जियों को फाइनली मैश कर लीजिए। तो मैंने मैश कर लिया है सब्जियों को मसाले के अंदर, देखिए। और अब हम इसे 1 मिनट के लिए मसालों में अच्छे से भून लेंगे सब्जियों को। तो 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी, जो हमने सब्जी उबाला था उसका जो पानी था, स्टॉक था, वो मैंने रखा था, उसका ही यूज करना है हमें। उस पानी को आप फेंके ना, उसी पानी का सब्जी में यूज करिए आप। और अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी को सब्जी के अंदर। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से उबाल आने देते हैं सब्जी के अंदर। कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल देंगे। आप चाहे तो धनिया पत्ता लास्ट में डालें, मैं अभी इसे डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सब्जी के अंदर, टेस्टी लगती है भाजी खाने में। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच बटर। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे सब्जी के अंदर। सब्जी उबालते समय हमने नमक डाला था तो अभी नमक डालने की आवश्यकता नहीं है। देख सकते हैं सब्जी में बहुत अच्छे से उबाल आ गई है हमारी, और कलर भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट आया है। जैसे हम मार्केट में खाते हैं सेम वैसा ही कलर आया है। और इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अगर आपको भाजी हल्का सा वाटरी पसंद है तो आप पानी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये परफेक्ट बना है भाजी। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी, इसे साइड में रख देते हैं। और अब हम पाव को हल्का सा सेक लेंगे। तो इसके लिए मैंने तवा रख दिया गर्म होने के लिए। इसमें हम डालेंगे बटर। बटर को हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और अब हम पाव को हल्का सा सेक लेंगे। तो हम ले लेंगे पाव और पाव को बीच से हम कट कर लेंगे इस तरीके से। और इसे हम पाव को खोल कर रख देंगे तवे के ऊपर। बिल्कुल हमें बहुत कम समय के लिए इसे गर्म करना है, बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं सेकना है। तो देखिए अब मैंने बंद कर दिया है। और अब हम इसे पलट देंगे, दूसरे साइड से भी हल्का सा सेक लेंगे। फिर से हम इसे पलट देंगे। तो ये हमारा पाव भी सेक करके बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। और ये देखिए हमारा पाव भाजी बिल्कुल रेडी है। तो अभी से हम सर्व करेंगे। तो मैंने ले लिया एक प्लेट और उसमें हम सबसे पहले भाजी निकाल लेते हैं। मैंने थोड़े से प्याज कट करके साइड में रख लिए हैं, नींबू रख लिया है, जो पाव भाजी के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। ऊपर से कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता डाला है और थोड़ा सा बटर डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में। तो आप इस पाव भाजी को अपने घर पे जरूर बनाइएगा। ये बनाना बहुत आसान है, मैंने बिल्कुल झटपट तरीके से इसे बनाया है। और अगर रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।